सो हाय गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जिस वीडियो को आपने शुरू में देखा, इस तरीका का वीडियो आप कैसे बना सकते हो। तो गाइस, आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी आने ही वाला है और इस तरीका का वीडियो टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आप भी इस तरीका का वीडियो बना सकते हो वो बिल्कुल आसानी से। तो गाइस, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारा बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो शूट कर लेनी है। तो गाइस, इस तरह वीडियो शूट करके, जैसा भी वीडियो शूट करना है आपको शूट कर लेना है। वीडियो शूट करके आपको एक काइन मास्टर ऐप का नाम है, उसको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, काइन मास्टर का मतलब लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो आपको वहां से जाके डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारा बात मैं आपको बताऊंगा मोबाइल के स्क्रीन पे। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, उसके लिए मैं आ गया हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, काइन मास्टर को ओपन कर लूँगा सबसे पहले। तो गाइज, काइन मास्टर को मैं अभी ओपन करता हूँ। और उसके बाद क्या करना है, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का साइज सेलेक्ट करना है और आपको वाली वीडियो को ले लेनी है जो वीडियो आपने शूट किया है। तो गाइज, मेरा ये वाला वीडियो मैंने यहाँ पे ले लिया है, आप लोग देख सकते हो, इसमें कोई भी अभी एडिटिंग नहीं किया है। तो गाइज, इस टाइप से अपना वीडियो है। आप क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका जो मतलब फिल्टर है, कलर एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से नीचे जाएंगे और अपना फिल्टर ये वाली ले लेंगे हम। तो ये वाली फिल्टर लेने के बाद क्या करेंगे, इसका जो एडजस्टमेंट है इसको क्या करेंगे, ब्राइटनेस को मतलब लाइट को जो थोड़ा घटा देंगे, कंट्रास्ट को बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को थोड़ा घटा देंगे। कुछ इस टाइप से अपना देख सकते हो, अपना जो स्काई है वो ग्रीन में बदल चुका है। तो कुछ इस टाइप से बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस, इसको एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो गाइस, जैसे ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाता है, उसके बाद सारा आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक और लेयर खोलना है, उसमें आपको मीडिया में जाके 4-5 टैग्स ले लेनी है। जैसे मेरा यहाँ पे देख सकते हो आप लोग है, तो इसको इस टाइप से आपका जो इमेज मतलब सॉरी इमेज ले लेनी है आपको। यहाँ पे देख सकते हो जितना भी आपको मतलब फ्लैग लेना है, जो भी देश का लेना है आपको ले लेना, और लास्ट में आपका अपना इंडिया का ले लेना है। तो इस टाइप से अपना फ्लैग ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे पहले ट्रांजिशन लगा देते हैं, एक अच्छा लगे देखने में ताकि। तो यहाँ से मैंने कुछ ट्रांजिशन लगा दिया है। तो आज कुछ इस टाइप से आपको ले लेना है। तो उसका क्या करना है, आपको वो वाली वीडियो को ले लेनी है यहाँ पे, जो वीडियो आपने अभी एक्सपोर्ट किया। उसको लेने के बाद यहाँ पे इसको डबल करेंगे, पूरा फुल कर देंगे। फुल करने के बाद इसका क्रोमा की जाएंगे, इसको क्रोमा की कट कर देंगे ग्रीन स्क्रीन में। तो कुछ इस टाइप से अच्छे से फिक्स करके मस्त से कट कर देंगे, ताकि अपना वीडियो जो है वो अच्छा लगे देखने में। तो कुछ इस टाइप से अपना वीडियो जो कट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो बस कुछ इस टाइप से अपना वीडियो कट हो चुका है, अब कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कुछ इस टाइप से वीडियो बना है। तो बस जितना भी अपना उसी है वीडियो, उसको पूरा साइज सेलेक्ट करके कुछ इस टाइप से अपना वीडियो को यहाँ से ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अपना वीडियो जो बन चुका है। आप कुछ आपको यहाँ से टेक्स्ट डालना है, तो मतलब आप टेक्स्ट भी यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट ले रहा हूँ, जैसे मेरा ये वाला टेक्स्ट लेना है, तो ये वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ से लेकर लगा सकता हूँ। और इसका जो ओवरऑल एनिमेशन है, और उसको जाके मैं रिंग पे मार देता हूँ, तो इस टाइप से ये घूरेगा, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो, कुछ बहुत ही अच्छा बना है। तो गाइस, आप लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितना मस्त वीडियो बना है, बिल्कुल भी आसानी से। तो गाइस, ये मतलब आपका जो मतलब फ्लैग का जो फोटोज़ है उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसको तो डाउनलोड कर लीजिएगा आप गूगल पर जाके सर्च करके, तो बहुत आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ इस टाइप से फिक्स कर लीजिए अपना वीडियो को। आप लोग देख सकते हो कि कितना आसानी से वीडियो बन चुका है। तो उसका क्या करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, टिकटॉक पर जाके अपलोड कर देना है। तो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, वंदे मातरम।